एफ सी फ्रंटियर कोर के पी के शानदार किस्म की जॉब्स आ चुकी हैं, सिपाही की भर्ती शुरू हो चुकी हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीके मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, बस आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपको मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल अच्छी जॉब्स में। दोस्तों मेरे चैनल में पूरे पाकिस्तान के तमाम पर सरकारी और प्राइवेट जॉब्स की डेली अपडेट्स आती हैं, चैनल को लाजमी विजिट कीजिएगा, चैनल चल आपको पसंद आएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ऑफिशियल एड अप्स हमने आ चुका है, आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर नॉर्थ सूबा खैबर पख्तूनख्वा, असामियाँ आ चुकी हैं। 30 मार्च को इश्तहार शाया किया गया था, मैंने वीडियो लगाई थी दोस्तों अपने चैनल पे, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं तो ये लाजमी आप देख लें। सबसे पहले ज़िला की बात की जाए, ज़िला तौरगर में आप देख सकते हैं, फिर कोलई, ये सारे ज़िले लिखे हुए हैं, बनू, बुनीर, सवाज, शांगला, मालाकंड, इनमें आप देख सकते हैं साहब डेट्स बताई गई हैं। तो जैसे अपर कोहिस्तान में 1 से 2 मई के दरमियान जो है ये बताया गया है, 1 और 2 मई 2024 को 142 रोड मेंटेनेंस बटालियन कैंप पतन ज़िला लोअर कोहिस्तान, ये यहाँ पे इनका टेस्ट फॉर इंटरव्यू वगैरह होंगे। तो सब आप अपने अपने ज़िले को नोट कर लीजिएगा। अगर बात की जाए भर्ती के मेयार की, तो जीडिकेटर यानी सिपाही की भर्तियाँ हैं, जीडी सिपाही की। मैट्रिक पास होना चाहिए आपको, कद 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। फ्रंटियर को नॉर्थ के शहदा के बच्चों के लिए 2 इंच जो है उस कद की रिहाइश मौजूद है, रियायत दी जाएगी उनको, रियायत मौजूद है। 5 फुट 8 इंच और इससे ज़्यादा कद वालों को जो प्रायोरिटी दी जाएगी। छाती की बात की जाए दोस्तों, 31 और 33 यानी पुलाव के साथ 33 इंच छाती होनी चाहिए। फ्रेंड इसी तरह जो शुदा के बच्चे होंगे उनको 2 इंच की छाती की रियायत दी जाएगी। उम्र की याद फ्रेंड बात की जाए, 30 जून 2024 को कम अज़ कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जो शुदा के बच्चे हैं अपर एज में 2 साल की रियायत दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फ्रंटियर कोर में जो शुदा के बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और जो 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा जिनका कद है वो लाजमी अप्लाई करें। अगर सिपाही भर्ती होना चाहते हैं तो शानदार किस्म का मौका है। तो जो लोग जिनका कद कम है, एज पूरी है, वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड उम्मीदवार जो है उनकी तालीमी इसनाद, कमिश्नरी कार्ड या बे फॉर्म, 4 अदद पासपोर्ट साइज़, आपकी फ़ोटोज़, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के शुहदा और हाजिर सर्विस रिटायर्ड के बच्चे जो हैं अपने वालिद का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या पेंशन बुक, जो भी उनके पास चीज़ है जिससे रिश्तेदार का होता हो, वो साथ लाजमी साथ लेके आनी है। हाजिर सर्विस रिटायर्ड के बच्चे जो है शुदा के भाई बेटा मुतलका यूनिट से तस्दीक शुदा भर्ती फॉर्म भी लाएंगे। जिन लोगों के हाजिर सर्विस वालदेन या भाई कोई ड्यूटी कर रहे हैं फ्रंटियर कोर में, वो एक फॉर्म NOC भी बनवा के लाएंगे। इजाफी काबिलियत रखने वाले अदारत अपनी काबिलियत के सर्टिफिकेट, मसलन ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग वगैरह जिनको आती है, लैब असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन या कोई भी कोर्स किया हुआ है, तो लाजमी सर्टिफिकेट साथ लेके आएँ, इससे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उनको बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग अपने अगर ये डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे तो जो अगर आपने को कोर्स किए हुए एक्स्ट्रा, तो आपको भर्ती होने में ज़्यादा आसानी होगी, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। भर्ती की अलियत की बात की जाए दोस्तों, वो शख्स जो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस डिस्चार्ज या बर्खास्त भगोड़ा हो, तो वो जो है नाअहल है, नाअहली की बात बताई जा रही है। वो शख्स जो किसी जुर्म में, किसी ने कोई जुर्म वगैरह किया हो, तो वो भी नाअहल है। जेली इसनाद और सिफारिश में भर्ती होने वाले रिश्वत लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शादी कार्ड 18 साल जिसके उम्र हो, वो फॉर्म बे के अलावा कोई बंदा भी भर्ती के लिए आयल नहीं होगा। यानी आपका बे फॉर्म जो उम्र 17 साल से के अलावा हैं, छोटे हैं, और जिनकी उम्र 18 साल है, वो साथ अपना शादी कार्ड नहीं लाएंगे तो वो भर्ती के लिए आयल नहीं। जल्दी इसनाद और सवार जो भर्ती होने वालों के खिलाफ बताया गया कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों भर्ती के बारे में मजीद मालूम के लिए दोस्तों www.frontiercorps.kpk.gov.pk पर जाके आपने मालूम हासिल कर लेनी है। लेफ्टिनेंट कर्नल बराय इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ की तरफ से ऐड जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नेशनल जॉब पोर्टल यानी www.njp.gov.pk पर जाते हैं, तो वहाँ जाकर भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं भर्ती के बारे में। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ जो घंटी बटन है उसको दबा लें। फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नई जॉब नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।